10 दिन बचे और अब मैं तुम्हें तुम्हें 100% दिलाकर रहूंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। बायो में कुछ भी करके हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़कर 360 नंबर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें पता है हमारी फिजिक्स जो है वो एवरेज है, थोड़ी कम चलती है। हमारी बायो जो है हमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर तुम मानी मैम का चैनल देखोगे तुम्हें वन शॉट सारे के सारे मिल जाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम्हें वन शॉट नहीं मिलेगा। एक एक चीज, एनसीईआरटी अंडरलाइन सीरीज क्या, एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज क्या, एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें यहां पर मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यूज मैंने कराए, सारे पीवाईक्यूज मैंने कराए। तुम सोचोगे यार इसमें एक्स्ट्रा क्या है वाणी मैम, अब मतलब अब और क्या लेना, हम और क्या करें। कुछ ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन रीड करो और साथ ही आंसर तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाए। अब मैं क्या करने वाली हूं इस वीकेंड, तुम्हें मुझे 30 आवर्स देने। क्या देने इस वीकेंड तुम्हें मुझे 30 आवर्स, तो 28, 29, 30, 3 दिन में लेने वाली हूँ। उसका मैं कल बहुत बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्च करने वाली हूँ। हम सुबह 11 बजे बैठा करेंगे, 11 AM, और शाम के 5 या 6 बजे तक आधा आधा स्क्रीन तुम्हें मेरी शक्ल दिखाई देगी, बैठकर स्क्रीन पर बढ़िया तरीके से मैं तुम्हें बताने वाली। और बेटा इन 3 दिनों में 28, 29, 30 हम 10 घंटा रोज पढ़ेंगे। पहले हम बायो के बारे में बात करते हैं, फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूंगी। लास्ट 10 दिन में आग लगानी है हमें, और उसको मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगी तुम्हें कि यार तुम्हारे बायो में तो 360 आएंगे ही आएंगे। यार मैं तुम्हें नोट्स लिखवाने वाली, वो तुम्हारे में मान लो 15 पेज के पूरे सिलेबस के मैंने नोट्स बनवा दिए, पूरा सिलेबस मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ। अब तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है, कहीं देखना ही नहीं है। यार तुम किसी और से पढ़े हो, तुम वेदांतों से पढ़े हो, तुम बाहर से पढ़े हो, तुम XYZ ABC कोटा छोटा कोटा जहां मर्जी से पढ़े हो, इन 30 आवर्स में 2 ईयर्स की एनसीईआरटी को पूरा कन्वर्ट करके क्या इकोलॉजी, क्या जेनेटिक्स, क्या डायवर्सिटी, क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्या रिप्रोडक्शन, क्या फिजियोलॉजी, इनको कन्वर्ट करके मैं 15 पेज के नोट्स में कन्वर्ट कर दूं। इन 15 पेजेस को तुम बाई हार्ट कर दो, मुझे प्रॉमिस करो कि मैम इनको हम रट लेंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई पीवाईक्यू नहीं करना, कोई मॉक टेस्ट, तुम बस इनको बाई हार्ट करो, तुम्हारे 360 on 360 आएंगे। कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज लिखवा दूंगी। यार मैं खुद ऐसे लिख लिख कर, तुम मेरे साथ लिखना, रात को उनको रिवाइज करना, बस ये रट्टा मार लो। अब बात आती है फिजिक्स, तुम अपने बस 360 में तुम्हारे बायो में ले आऊंगी, तुम फिजिक्स में 80 नंबर ले आओ बस, और केमिस्ट्री में तुम 120 नंबर ले आओ, 560 मार्क्स। तुम्हें स्टेट के टॉप कॉलेज में सीट मिल जाएगी 10 दिनों के अंदर, गिव अप मत करो। उस में मैंने चैप्टर के नाम भी नहीं, सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं। अगर तुम वो टॉपिक ही कर लोगे तुम्हारे 100 मार्क्स आएंगे, इस बात की वाणी मैम पर्सनल गारंटी लेती है। तुम्हें कुछ नहीं करना भैया, तुम सिर्फ उन टॉपिक्स को कर लो। यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है कैरनेट्स इंजन से क्वेश्चन आता है, मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है हर साल एक क्वेश्चन कैरनेट्स इंजन से आएगा, हर साल एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे। वो 3 मिनट का वीडियो में तुम्हें 10 टॉपिक्स बताए गए हैं, उनको करो, और वो 3 दिन मेरे साथ लगकर तुम बायो कर लेना। अब तुम आ जाओ केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री पे मैंने 2 महीने पहले तुम्हें बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक नेम रिएक्शन, याद रखो 40 नेम रिएक्शन है, एक पेज पे लिख लो, 4 या 5 रिएक्शन इसमें से डायरेक्टली आएंगे। तुम अपनी पूरी एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 10 to 12 pages में कन्वर्ट कर दो, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। करो तो सही, मेहनत तो करो, पढ़ो तो सही। तुम अपनी पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, 6 टाइम्स कर लो, देखो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अगर तुमसे कुछ नहीं होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, राइट, बायो अब तुम्हें पता है वाणी मैम के साथ कर लोगे, तुम 6 ईयर्स के 6 टाइम्स पीवाईक्यूज कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन कर लो, और फिजिक्स में जो आज वीडियो में 10 टॉपिक बनाए हैं तुम उनमें से 8 टॉपिक भी कर लो, तुम्हारे 80 नंबर कहीं नहीं गए। तुम इन दोनों को मिलाकर 160, 170 ले आओ, 70 नंबर फिजिक्स में ले आओ, 110,
120 केमिस्ट्री में ले आओ और 360 मैं तुम्हें दिलवाऊंगी इन बायो. डू दिस. ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना कि भैया कुछ गजब ही कर देना है, बट इतना करो. अभी भी टाइम है, गिव अप मत करो. अभी तुम देख ही रहे हो कि मैंने यूनिट बाय यूनिट 100 MCQs करवा रही हूँ और हर तीसरे दिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करवा रही हूँ. 28 से जो मैं NCERT की सीरीज कर रही हूँ 30 hours in 3 days विल गिव यू 360. ये ज्वाइन कीजिए, उससे पहले रोज के मॉक टेस्ट पेपर दीजिए. कुछ भी मिस मत करो. बस अब तुम रोज चैनल पे आ जाओ, क्योंकि अब जो मैं एंड गेम शुरू कर रही हूँ 28 से, वो तुम्हारे सारे पापों को धो देगा आज तक तुमने जो पाप किए. तो अब जो हुआ है सो हुआ है, पर अब मेहनत पे उतर जाओ, उतारू हो जाओ. टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू. हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 28 के लाइव लगाने के लिए तैयार हो जाइए. बाय बाय.